हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा मैथमेटिक्स जो कि क्लास 10th के लिए है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये बुक है एनसीईआरटी की 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स की। इसका ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, और इसकी एक्सरसाइज है ये 1.1। इसमें हम सिर्फ एक ही सम को करेंगे, बाकी अदर्स वीडियो में जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस हैं इनमें हम सारे ही टॉपिक को यहाँ पर कवर्स करते हुए जाएंगे। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम के बारे में। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, और ये दो सम भी। पर इसमें सिर्फ मैं आपको एक सम करके दिखाऊंगा जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, 135 एंड 225। इसमें हम करेंगे 135 एंड 225 का यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा है किस तरीके से मैंने 225 को 135 से डिवाइड करा है। तब हम पहले जो अंदर की डिजिट है उसको ले लेते हैं यहाँ पर, और एक हाइफन का साइन लगाते हैं। फिर 135 जिससे हमने डिवाइड करा था और जो आंसर आया था उसका साइन लगाते हैं मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई में क्या था, 135 आया था। प्लस में हम रिमाइंडर जो था वो उसको लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर सिर्फ डिवाइड की गई है, ठीक है। तो ये एक एरो है जहां पर दिखाई देगा 225 एरो 135 इंटू 1 प्लस 90, जो कि मैंने आपको यहां दिखाया है किस तरीके से हमने करा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जब तक जीरो ना आए तब तक हमें ये सॉल्व करना पड़ता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा रिमाइंडर बचा है 90 और आंसर आया है 1। अब हम रिमाइंडर जो हमारा 90 बचा हुआ है इसको हम, जो हमारा रिमाइंडर 90 बचा हुआ है इससे हम 135 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर से जो डिवाइजर था जिससे डिवाइड किया गया था उससे हम डिवाइड करेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं जब हमने 135 को 90 से डिवाइड करा है तो रिमाइंडर हमारा 45 बचा है। तो हमें बीच का डिजिट लिखी जाती है जो कि 135 है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे 135, ये एरो का साइन हम बना सकते हैं हम इसको, और फिर आएगा 90 इंटू 1 प्लस 45, जो कि हमारा रिमाइंडर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ 45 बचा, यहाँ बचा था हमारा रिमाइंडर 90, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है, कौन सा पोर्शन बचा है नेक्स्ट, जब तक जीरो नहीं आता तब तक करना है, पहले ही मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ डिवाइड देख सकते हैं कि अब 45 को डिवाइड किया गया है, सॉरी 45 से डिवाइड किया गया है 90 को। यहां पर क्या करेंगे आप, 90 को इसको 45 से डिवाइड करेंगे। अब ये क्या आएगा यहाँ पर, सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, 90 लिखना है यहाँ पर, एरो का एक साइन बनाना है, फिर हमें क्या करना है 45 इंटू जो आंसर आया था वो था 2 प्लस में आ जाएगा जो रिमाइंडर बचा है 0। इस तरीके से आप देख सकते हैं 0 आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको एचसीएफ निकालना होता है, जो आपको इधर का डिवाइजर है जो कि 45 है वही हमारा यहां पर आंसर होगा। तो आंसर क्या है यहां पर, आंसर इज यानी कि एचसीएफ इज इक्वल टू 45। तो इस तरीके से आपको आंसर करना होता है, इस तरीके से आप सारे ही सम इसके कर सकते हैं। ये थी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
और अब आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ आपको टाइप करना होगा SAHUL साहुल।